तो नमस्ते पटना, मैं आपका दस शिबू आपके साथ हूँ। तो गाइज आपका स्वागत करता हूँ दस शिबू ब्लॉग में। तो गाइज अभी रेडी होके रात के 11:30 हो रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं पटना के लिए। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि दुर्गा पूजा का सीजन ऑन हो चुका है और आप लोग का मस्ट अवेटेड ब्लॉग आप लोग को मिलने वाला है। तो अभी चल रहे बेली रोड की ओर, क्योंकि वहाँ पे पंडाल का पट खुल चुका है जहाँ तक हमने पता करवाया है। मंगला का नहीं खुला है, द्वारपुर का भी खुल चुका है। ठीक है, बहुत जगह आधा जगह आज पट खुला है माँ का, आधा जगह नहीं खुला है। पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सपने तो आ रही है, बट अभी कल सुबह 5 बजे सुनने में आया खुल रहा है। तो अभी चल रहे हैं पटना की ओर, ठीक है, बेली रोड की ओर। वहाँ तुमको ब्लॉग मिलेगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारा ब्लॉग आने वाला है। दानापुर में जितनी मूर्तियाँ बैठती उतनी पूरा पटना में नहीं बैठता भाई, पता होना चाहिए। चलो हम लोग रेडी होकर निकलते हैं, ठीक है, घर से भैया आएंगे उनके साथ जाएंगे। चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। होप से अगर बाहर आवाज़ रहेगा तो मैं म्यूजिक म्यूट करके अपना आवाज़ डाल दूंगा, तो उसके लिए मत बोलना कि बाहर गाना बजेगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, वीडियो का फायदा हो जाएगा नहीं होगा। इसलिए तो चलो सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून रहो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो कर लो ब्रो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहीं पर अपडेट मिलते रहता हमारा। चलिए मिलते हैं अभी। हाँ तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मूर्ति देखते चलिए और अभी चलते हैं हम लोग मैनपुरा। इसके आगे मैनपुरा हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पंडाल देख लीजिए कितना सुंदर है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहा मैनपुरा का, देख सकते हैं लाइटिंग कितना जबरदस्त किया गया है और लाइटिंग और मूर्ति काफी बेहतरीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर जाम है, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको दिखाता है, इधर पूरा बॉक्स उस लाइट सार्फी पूरा मारा हुआ है। पंडाल कितना खूबसूरत है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर बोरिंग रोड भी जाना है, वहाँ पे भी बहुत सारा पंडाल बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नज़ारा। चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी करके निकलते हैं और यहाँ पे दुर्गा माँ का पंडाल बहुत ही सुंदर है और दुर्गा माँ का मूर्ति भी बहुत अच्छा है, जो आपको देखने को भी मिलेगा, देख सकते हैं मूर्ति है। हाँ तो फाइनली गाइस हम लोग पंचमुखी मंदिर पर आ चुके हैं, ठीक है, जो कि व्यवसायिक संघ की तरफ से बैठाया जाता है और ये राम जानकी मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है, जो कि नेपाल का है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा देर नहीं बनाना है, तो आगे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये रहा पुलिस लाइन का मीनाक्षी टेम्पल, जिस पर बना है, जो कि 70 फीट का है लगभग, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी आगे बढ़ता हूँ और अब चलते सीधे डकमंगला। डकमंगला क्या सीन है आपको दिखाते हैं आगे पहुँच। हाँ तो फ्रेंड देख सकते हैं इस डकबंगला का यहाँ पे नजारा, जो कि मतलब देखने में काफी भयानक नहीं लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी पहुंचने के बाद पता चला गया कि पंडाल का जो माँ का मुख है वो नहीं खोला गया है। पता नहीं सर सप्तमी के दिन कैसा क्या हो गया है, मतलब 2 दिन हो गया कि अगला दिन पट खुलेगा सुबह में, इसलिए आपको यहाँ पे भीड़ देखने को नहीं मिले। अन्यथा यहाँ पे आपको चूटी देखने का मतलब जगह नहीं रहता था। जब ये खाली खाली आपको यह दिख रहा है वो मतलब क्या ही बोल सकते हैं कि अभी तो है, पर कल अगर रात में आइएगा यहाँ पे तो आपको चूटी रखने का भी जगह नहीं मिलेगा। अगर हम 8वीं के दिन आते हैं 10 तारीख को यहाँ पे, तो आपको चींटी रखने का भी जगह नहीं मिलने वाला यहाँ पे। और बेहतरीन से लाइटिंग किया गया जो आप लोग देख सकते हैं अभी, और काफी बेहतरीन से नाइट का यहाँ व्यू है, तो आप लोग देखिए। चलिए मेरा तो काम ही पहुँच के बताना, तो पहुँच बता रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको थोड़ा पंडाल का दर्शन कराता हूँ, किस तरह का पंडाल बना है, जो कि बहुत ही भव्य बना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उधर देख सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा छोटा छोटा चीज बनाया ना, काफी बेहतरीन है। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगर कल अगर हो सके यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ का सीन दिखाएंगे जरूर, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ और देख सकते हैं छोटे छोटे लाइट से जो बनाया हुआ है वो भी काफी बेहतरीन है। देख सकते हैं शंकर जी हैं, नहीं काली जी लग रहे हैं, शंकर काली जी मिक्सर लग रहे हैं। चलिए आगे चलता हूँ और देखते हैं, पूरा एकदम प्रचार किया मोंजनीस का, शांतिलाल का, यहाँ पे पूरा स्पॉन्सर भर भर के मिला है भाई इस बार यहाँ पे। डकबंगला का बहुत ही फेमस पंडाल था पूरा पटना का। तो चलिए आगे चलता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। गोलगप्पा वाले भैया जा रहे हैं, चलिए हम लोग पहुंचते हैं पंडाल के पास, फिर आपको दिखाते हैं। तो ब्लॉग मिला से बनाना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, और ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ता हूँ, फिर आप लोग से मिलते हैं फ्रेंड्स। तो यही है फ्रेंड डकबंगला का सबसे बड़ा और भव्य सुंदर पंडाल, मतलब डकबंगला का, ठीक है। देखिए लाइटिंग की तरह पर ये देख सकते हैं जो सामने का नजारा है ना, काफी बेहतरीन देखने में आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि माँ का जो द्वार पट बंद कर दिया गया है, जो कि कल सुबह 7 या 8 बजे करीब खुलेगा। लाइटिंग देख कितना अच्छा लग रहा है, तमिलनाडु का मतलब मंदिर जो बनाया हुआ है बहुत ही भव्य। तो अब देखिए गाइस हम लोग बेली रोड के अंदर आ चुके हैं और कितना बेहतरीन बताया, मतलब पुल के नीचे जो पंडाल बना बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। पुल नहीं रहता था ना, और पंडाल का शोभा बढ़ रहा था। मूर्ति देखिए काफी बेहतरीन यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक और पंडाल खचपुरा का, वहाँ का दिखाता हूँ, ये माँ का दृश्य। तो ये रहा खचपुरा का सबसे बेहतरीन पंडाल इस बार का बना है, काफी बेहतरीन पंडाल है, ठीक है। देखने में काफी बेहतरीन सा लुक यहाँ पे दे रहा है, वाइब दे रहा है, क्योंकि रात के आपको 3 बजे का सीन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं रात के 3 बजे का सीन कुछ इस प्रकार यहाँ का है। तो अभी भी देखिए 3 बजे या 4 बजे आदमी तो भाई भाई सब जगह है, ठीक है, भरा हुआ। 3 बजे सुबह का ये सीन है। तो चलिए यहाँ से आगे निकलता हूँ, फिर आपको कुछ और मूर्ति दिखा के फिर दानापुर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। माँ का यहाँ दर्शन कर लीजिए आप लोग, फिर इसके आगे हम लोग यहाँ पे निकलते हैं। देख सकते 3 बजे भोर में भी काफी अच्छा खासा भीड़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलता हूँ,
फिर आपस में मिलते हैं। और ये देखिए गाइस, ये मतलब राक्षस और यहाँ पे पंडाल, हर साल का थीम यहीं पे लगभग सेम रहता है। यहाँ शंकर जी रहेंगे, राक्षस रहेगा और माँ अंदर विराजमान रहेगी गुफा में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे मतलब जो राक्षस उसका वध कर रही है। काफी बेहतरीन से पंडाल इस पर बनाया गया, काफी खूबसूरती मतलब दिया गया इस पंडाल को, जो देखने में काफी भव्य और प्यारा लग रहा है और काफी बेहतरीन है। तो चलिए यहाँ का, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चूहा महाराज है, पूरा लाइटिंग बहुत अच्छे से किया गया। राजापुर का जो पुल है उसको अच्छा सजाया जाता है पूरा दूर दूर तक, ताकि देखने में बहुत अच्छा लगा। साइड में भी आपको बहुत अच्छा वाइब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर, फिर आप लोग से अगला वीडियो में शायद दानापुर का सीन दिखाएंगे, ठीक है। हाँ तो गाइस, ये रहा गोला रोड का, ठीक है। ये गोला रोड में बेहतरीन पंडाल बना हुआ है। चलिए तो यहाँ पे चलिए आगे फिर बढ़ते हैं यहाँ से भी, और यहाँ पे माँ का थोड़ा प्रतिमा देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं एक और बेहतरीन से पंडाल। आपको जैसे आगे बढ़ते हैं आपको पंडाल देखने बहुत ही अच्छा भव्य प्यारा प्यारा पंडाल देखने को यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। तो आगे आप लाल किले का पंडाल है, चलिए ठीक है। तो ये देखिए आगे, इसके आगे बढ़ेंगे ना तो लाल किले का आपको पंडाल देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग अपने घर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉग के एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा दानापुर का। तो ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये रहा लाल किला, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।